इसरो ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक विंड टनल को कमीशन किया। इंडिया और रशिया ने स्कोई SU-30M के आईजेट्स की मेंटेनेंस के लिए पैक्ट साइन किया। तेजस का अनमैन्ड वर्जन डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क्स में है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो ने हिस्ट्री क्रिएट की। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल कमीशन करके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। विंड टनल को एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के पास से गुजर रही हवा के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार ने मंडे को दो फैसिलिटीज कमीशन की, एक 1 मीटर हाइपरसोनिक विंड टनल और एक 1 मीटर शॉक टनल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि ये फैसिलिटीज साइज और सिमुलेशन के मामले में वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है। ये फैसिलिटीज, जिनका नाम फॉर्मर इसरो चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर रखा गया है, इंडिजिनसली डिजाइंड और डिवेल्प हैं और ये इंडिया में बनी है इंडियन इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के साथ। एरोस्पेस व्हीकल्स हाई स्पीड से उड़ते हैं और कई बार साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से उड़ते हैं। हाइपरसोनिक विंड टनल और शॉक टनल फैसिलिटीज को इस्तेमाल किया जाता है एरो थर्मल एनवायरमेंट सिमुलेट करने के लिए, जहां पर व्हीकल्स की कैरेक्टराइजेशन कैरी आउट की जाती है। देश में जो पहले फैसिलिटीज हैं साइज में छोटी हैं और इनमें सिमुलेशन कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड हैं। 1 मीटर हाइपरसोनिक विंड टनल Mach 6 से लेके Mach 12 तक की फ्लो स्पीड सिमुलेट कर सकती हैं। 1 मीटर शॉक टनल 4.5 किलोमीटर पर सेकंड की फ्लाइट स्पीड सिमुलेट करती है। इंडिया और रशिया ने 2 की एग्रीमेंट साइन किए। इंडियन एयरफोर्स को SU-30M के आई फाइटर जेट्स के लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 230 SU-30M के फाइटर जेट्स हैं और एग्रीमेंट के मुताबिक रशियन डिफेंस मेजर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन फ्लीट के लिए 5 सालों के समय के लिए टेक्निकल सपोर्ट और मेंटेनेंस सर्विसेज रेंडर करेंगे। ये पैक्ट्स इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 2 रशियन कंपनीज के बीच में डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और रशियन ट्रेड मिनिस्टर की प्रेजेंस में साइन किए गए। इस ओकेशन पर बात करते हुए रशियन ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि रशिया क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस के लिए। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कॉरपोरेशन HAL के साथ ज्वाइंटली वर्क कैरी आउट कर रही है FGFA को ज्वाइंटली डेवलप करने के ऊपर। ये एग्रीमेंट्स इंडिया रशिया मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की कॉन्फ्रेंस में साइन किए गए थे। ये कॉन्फ्रेंस एम की गई थी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट, MI-17 हेलीकॉप्टर, MiG-29 जेट्स, T-90 टैंक और एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य के लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट और मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। इंडिया ने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है होम ग्रोन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अनमैन्ड कॉम्बैट वर्जन को डेवलप करने के लिए। एक टास्क ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है ये स्टडी करने के लिए कि इस फाइटर को फ्यूचरिस्टिक रोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक टीम ने पहले से ही LCA को ड्रोन में कन्वर्ट करने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इंडिया का प्रीमियर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोजेक्ट थोड़े समय में ही कैरी आउट किया जा सकता है। HAL चीफ स्वर्ण राजू ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि हमने इंटरनल स्टडी शुरू कर दी है तेजस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाने के ऊपर और इसके साथ ही हम कॉन्फिडेंट हैं चेतक हेलीकॉप्टर के अनमैन्ड वर्जन को लेकर सामने आने के ऊपर। एयरफोर्स ने पहले से ही 123 LCA फाइटर्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है और HAL 200 फाइटर्स के गैप को टारगेट कर रहा है जो एयरफोर्स आने वाले सालों में फेस करेगी। LCA के अनमैन्ड वर्जन को क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स के लिए यूज किया जा सकता है। इंडिया ओरा नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट ड्रोन बनाने के लिए, जिसे की कावेरी इंजन के मॉडिफाइड वर्जन से पावर किया जाएगा। ये ड्रोन हालांकि अभी कई साल दूर है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी डिजाइन स्टेज में है। हालांकि अनमैन्ड LCA का फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ ड्रोन के साथ कोई मुकाबला नहीं। ऑफिशियल्स ने पॉइंट आउट किया कि एक प्लेटफॉर्म को एक ऑटोनॉमस यूनिट में कन्वर्ट करना एक फास्टर और चीपर शॉर्ट टर्म ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।